एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में सिन्यू एक्सप्लेन करता है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ क्योंकि वो लव वाटर जाइग्योंग ने नहीं बल्कि मैंने पी लिया था। और यहाँ उसे वो फुटेज भी दिखाता है। शॉक्ड होकर होंग जो पूछती है मैंने उसके ग्लास में लव वाटर रखा था तो तुमने क्यों पिया, जहाँ वो बताता है मेरे ब्रेन के लेफ्ट साइड में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरा राइट हैंड कभी कभी पेन करता है, तो मैं आजकल मैक्सिमम लेफ्ट हैंड यूज करता हूँ और इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में रखा वाटर पी लिया। अब होंगजो भी परेशान होती है कि एक ही तो लव स्पेल था जो वेस्ट हो गया। सिन्यू कहता है तुम कुछ भी करो ये स्पेल मुझसे दूर करो क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तुमने स्पेल यूज करा उसके बाद ही मैंने तुम्हें ट्रिप पर जाने कहा, उसके बाद ही तुम्हें देखकर मेरा हार्टबीट तेज होने लगा, इवन मैं तुम्हें जाइग्योंग के साथ देखकर जेलस फील करने लगा हूँ। ये सब सुनकर होंगजो भी परेशान हो जाती है और कहती है अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं। फिर पूछती है तुम्हारे हेल्थ के बारे तुम्हें कैसा फील हो रहा है, जहाँ वो कहता है पता नहीं। तब वो कहती है अगर तुम्हें ये फील होने लगे कि तुम्हारा तबीयत सुधर रहा है तभी मैं मानूंगी कि लव स्पेल भी काम कर रहा है। इस पर सिन्यू कहता है तो तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हो और घर जाने लगता है, पर ना चाहते हुए भी वो रुक जाता है क्योंकि वो घर जाना तो चाहता था पर स्पेल के वजह से होंगजो से दूर नहीं हो पा रहा था। सीन शिफ्ट होता है और सिन्यू घर आने के बाद भी होंगजो को मिस करता है और सोचता है मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं। वहीं उधर होंगजो उसके और जाइग्योंग के बीच हुए कन्वर्सेशन को याद करती है, जहां जाइग्योंग बताता है कि तुम ये जो मेरे कूल पर्सनालिटी को देखकर मुझे लाइक करती हो मैं उतना कूल हूँ नहीं क्योंकि मैं अंदर से एकदम लोनली पर्सन हूँ, इवन मैं उतना परफेक्ट भी नहीं हूँ क्योंकि मैं कभी कभी ये विश करता हूँ कि काश मेरा कोई फैमिली ना होता, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे भी कोई बेटर पर्सन से मिलोगी जो एक्चुअल में बेटर होगा। वहीं इधर जाइग्योंग सोचता है क्या मैं सच में इतना लोनली पर्सन हूँ और वो अपने असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछता है कि क्या मैं काफ़ी लोनली टाइप से दिखता हूँ, जहाँ वो कहता है हाँ बिल्कुल तुम्हें देखकर सिर्फ लोनली वाला वाइब्स आता है, तुम किसी को डेट क्यों नहीं करते, वैसे होंगजो भी काफ़ी सही है तुम्हारे लिए। तभी हम देखते हैं जाइग्योंग को उसके फादर का कॉल आता है बट वो रिसीव नहीं करता है। इसके बाद उसके फादर मैसेज करते हैं कि अगर तुम पिकअप करने नहीं आए तो मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊँगा। अब उसका अपने फादर के साथ रिलेशन ख़राब क्यों है ये तो आगे ही पता चलेगा। वेल, दूसरी तरफ सिन्यू प्यार वाला गाना गुनगुना रहा था जहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर उसे डिस्टर्ब करने आ जाता है। और जब उसे यहाँ पता चलता है कि उसने जाइग्योंग को होंगजो के साथ डेटिंग स्टार्ट करने का एडवाइस दिया है तो सिन्यू एकदम बौखला जाता है। विचित्र बिहेवियर देखकर असिस्टेंट डायरेक्टर बात संभालता है कि लग नहीं रहा था कि जाइग्योंग होंगजो को डेट करने वाला है। ये सुनकर सिन्यू रिलैक्स फील करता है। वहीं दूसरी तरफ होंगजो की टीम मैनेजर होंगजो से कहती है तुम इतना ज़्यादा वर्क क्यों करती हो, क्या जब मैं यहाँ नहीं थी तो टीम लीडर तुम्हें बुली करता था, जहाँ होंगजो बताती है कि नहीं ऐसा बात नहीं है। तभी उनके सामने सिन्यू को स्नैक्स लेकर आता है और उन सब से माफ़ी मांगता है कि आपके टीम ने जो फ्लावर बास्केट लगाया था वो मैंने ही डैमेज करा था, इसलिए मैं सॉरी कहने आया हूँ। और इनडायरेक्टली टीम मैनेजर को बताता है कि होंगजो के टीम मेंबर उससे एक्स्ट्रा काम करवाते हैं और उसके साथ सही से ट्रीट नहीं करते हैं, पर इससे तो सबसे ज़्यादा गुस्सा होंगजो को ही आता है। और यहाँ हम देखते हैं कि लव स्पेल के कारण कोल्ड दिखने वाला सिन्यू अब फनी सिन्यू बन गया था। होंगजो कहती है तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, जहाँ सिन्यू कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसा करने का शौक चढ़ा है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता पर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, उस स्पेल के कारण मैं तुमसे क्लोज होना चाहता हूँ, इवन मैं तुमसे क्लोज हो ही गया हूँ, तुम्हारे लिए ऐसे सिली हरकतें करते हुए मुझे अपने आप में एम्बेरस फील होता है। होंगजो कहती है तुम भूल क्यों रहे हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नायुन है। तब सिन्यू बताता है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है, मैं तो हैरान हूँ कि ब्रेकअप होने के बाद मुझे सैड होना चाहिए पर तुम्हें देखकर मेरे मन में बटरफ्लाई और डोपामाइन रिलीज होता है बिकॉज ऑफ यू। उसका बात सुनकर होंगजो काफ़ी परेशान होती है और ना चाहते हुए भी उसे ऐसे परेशान देख सिन्यू को भी हर्ट होता है। फिर यहाँ होंगजो आइडिया देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, शायद लव वाटर डायल्यूट हो जाए। सीन शिफ्ट होता है और सिन्यू के फादर नायुन को बताते हैं कि वो बीमार है और हो सकता है तुम्हारे साथ ब्रेकअप का रीज़न यही हो, पर फिर भी मैं सेमलेसली तुमसे यही कहूँगा कि तुम उसके साथ रहो। वहीं दूसरी तरफ सिन्यू पानी पे पानी पिए जाता है। इधर होंगजो कंपनी का कुछ पार्सल रिसीव कर रही थी, जहाँ सिन्यू आकर कहता है मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन उल्टा तो वो होंगजो का काम बढ़ा ही देता है। होंगजो इरिटेट होकर पूछती है तुम्हारे ऊपर स्पेल हट क्यों नहीं रहा है, पानी पी भी रहे हो या नहीं, जहाँ वो कहता है कि सुबह से 32 बार वॉशरूम जा चुका हूँ और अब मैं इस कंक्लूजन तक पहुँचा हूँ कि ये स्पेल हटने वाला नहीं है और मैं ये भी फील कर पा रहा हूँ कि मेरा डिजीज स्पेल भी वर्क कर रहा है, देखो मेरा हैंड एकदम सही है। होंगजो कहती है मुझे लग रहा है तुम्हारा डिजीज हाथ से ट्रांसफर होकर दिमाग में चला गया है और तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। इतने तक में सिन्यू को नेचुरल कॉल आता है पर फिर भी स्पेल के वजह से वो होंगजो को छोड़कर नहीं जा पा रहा था, इससे होंगजो और ज़्यादा इरिटेट होती है। वहीं हम देखते हैं नायुन उन्हें कार से देख रही होती है। नेक्स्ट दिन वो घर आती है जहाँ उसकी लैंडलेडी बताती है कि वो ये घर रेंट में दे रही है और यहाँ वो पूछती है कि तुम्हारा कोई बीएफ बना या नहीं, जहाँ होंगजो बताती है कि एक है जिसे मैं पसंद करती हूँ बट वो मुझे नहीं करता और एक है जो दिन भर मेरे पीछे पड़ा रहता है। उसकी लैंडलेडी कहती है बेटर होता है हमें उसे चूज करना चाहिए जो हमें पसंद करता हो,
पर होंगजो तो सिन्यू के बारे सोचकर ही इरिटेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिन्यू को फिर उस छोटी लड़की का ड्रीम आता है। सीन शिफ्ट होता है और होंगजो का काम माउंटेन एरिया पर था, जहाँ वुडन बैनर लगाया जा रहा था। यहाँ वो एक बूढ़ा आदमी को काम करते करते थका देखने पाती है, तो उसे पानी देने के लिए अपना बॉटल खोजती है, जहाँ एक आदमी जो फ्लावर शॉप का ऑनर था वो उसका बॉटल रिटर्न करते हुए कहता है, तुमसे हमेशा कुछ ना कुछ सामान छूट ही जाता है। और अब होंगजो को लगता है कि इसने भी रखा लव वाटर पी लिया है। और तो और वो आदमी भी ऐसा बातें कर रहा था कि होंगजो का डाउट बढ़ते जा रहा था। वो कहता है, मेरी वाइफ बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखती है, बट अब वो इस दुनिया में नहीं रही। सीन शिफ्ट होता है और इधर टीम मैनेजर टीम लीडर से कहती है, तुम्हारा प्रमोशन तुम्हारे खुद के आलसीपन के कारण नहीं होता है, ना कि होंगजो के कारण। वह उसके जाने के बाद इधर बाकी दोनों टीममेट्स उसके नाम का मजाक बनाती है, जो कि टीम लीडर को अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ एक लेडी होंगजो को बताती है कि एक रेंटर मिला है जो यंग, हैंडसम और वेल बिहेवियर है, और एनी चांस अगर तुम दोनों में कोई बात बनता है तो मुझे थैंक्स कहने बिल्कुल मत भूलना। फिर वह घर जाने लगती है, जहाँ उसे लगता है कि एक आदमी उसको फॉलो कर रहा है। वो काफी डर जाती है और इस वजह से उसका मोबाइल भी गिर जाता है। डर से अब वो भागने लगती है, जहाँ वो सीधे जाकर एक आदमी को हक कर लेती है, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो सिन्यू होता है। वो बताती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। सिन्यू कहता है, इसके बाद से घर आने के लिए इस रूट का यूज मत करना, और उसके फोन ढूंढने में हेल्प करता है। तभी गली के सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं और सिन्यू कहता है, इन्हें मैंने तुम्हारे लिए ठीक करवाया है। फिर उससे ना चाहते हुए भी फ्लर्ट करने लगता है, और तभी होंगजो को भी उसका गिरा हुआ मोबाइल मिल जाता है, जहाँ सिन्यू उसके मोबाइल का वॉलपेपर देख लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सिन्यू के सपनों में आने वाली वो बच्ची होंगजो ही होती है। यहाँ सिन्यू से कहता है, मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला, लेकिन मेरे सपनों में तुम्हारे बचपन का फेस आता है, दिन में तुम्हारा फेस आता है, तुम्हें इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा। तब होंगजो कहती है, अब तो इस स्पेल को ब्रेक करना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट सीन हम उन्हें उस समन के पास देखते हैं, जहाँ वो पहले सिन्यू से बात करती है। सिन्यू कहता है, उसने लव स्पेल का यूज किसी दूसरे के लिए किया था, पर अप्लाई मेरे में हो गया, और अब ना चाहते हुए भी मैं अपने बॉडी और माइंड को उससे प्यार करने से नहीं रोक पा रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं मैं सच में उससे प्यार ना कर बैठूं, और मुझे इन सब में टाइम पास नहीं करना है। जहाँ समन बताती है, इस स्पेल को ना तुम ब्रेक कर सकते हो, ना मैं और ना ही कोई और, केवल वही कर सकती है। इसके बाद वो होंगजो से बात करती है, जहाँ समन पहले उसके फादर के बारे कुछ इमोशनल बातें करती है, जिनका काफी पहले डेथ हो चुका था। इसके बाद होंगजो स्पेल को ब्रेक करने का उपाय पूछती है, जहां समन कहती है कि स्पेल को ब्रेक करना काफी मुश्किल है, बट एक तरीका है। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं दिखाया जाता है कि समन ने होंगजो को क्या तरीका बताया। नेक्स्ट सीन सिन्यू उससे पूछता है कि समन ने स्पेल ब्रेक करने का क्या तरीका बताया है, जहाँ वो कहती है, मुझे ऐसे डायरेक्टली बताने का हिम्मत नहीं है। तब सिन्यू गैस करता है कि क्या स्पेल ब्रेक करने के लिए हमें किस करना होगा। होंगजो कहती है, नहीं। सिन्यू कहता है, तो फिर वही जो मैं सोच रहा हूँ। होंगजो कहती है, उतना भी दूर तक सोचने का जरूरत नहीं है। सिन्यू कहता है, जितना जल्दी हो सके इस स्पेल को ब्रेक करो, क्योंकि मैं अभी ये नहीं कहना चाहता, पर मेरा दिमाग ये कहने के लिए मजबूर कर रहा है कि तुम काफी सुंदर लग रही हो। ये सुनकर होंगजो भी ब्लश होती है। अगले सीन वो उसे घर तक छोड़ रखता है और अपने घर जाकर उस समन को कॉल करके पूछता है कि तुमने उसे स्पेल ब्रेक करने का क्या तरीका बताया। जहाँ वो कहती है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम खुद ही उसे पता कर लेना। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ एक कंप्लेनेंट होंगजो को कॉल करके काफी गाली गलौज के साथ कंप्लेन कर रहा था। तब टीम मैनेजर उसे शांत कराती है कि तुम्हारा ये जो कंप्लेन करने का तरीका है वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। फिर होंगजो से कहती है, दोबारा इसका कॉल आए तो मुझसे कनेक्ट कर देना। वही टीम लीडर को सुनाने लगती है कि तुम काम कम और अपने प्रमोशन का कंप्लेन ज्यादा करते हो, अगर ऐसा ही चला तो तुम्हें कहीं दूर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तभी टीम लीडर को एक कॉल आता है और वो टीम मैनेजर को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ टीम मैनेजर को पता चलता है कि इसने हेड्स कमेंट के अगेंस्ट लॉसूट फाइल करा है। यह जानकर वो खुश जरूर होती है, बट कहती है, मैं किसी को पनिश नहीं करना चाहती, और इस बात से टीम लीडर गुस्सा हो जाता है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि ये दोनों पिछले 21 सालों से साथ में काम करते थे। वहीं इधर होंगजो को फिर से एक कंप्लेंट कॉल आता है और वो उस पर्सन के बताए अकॉर्डिंग चेक करने चली जाती है, और वहाँ उसे पता चलता है कि कंप्लेंट करने वाला सिन्यू है। यहाँ वो अपना कंप्लेन करता है कि जनरली मुझे नहाने में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन मुझे 20 मिनट लगा, 30 मिनट में कपड़े चूज करता रहा कि कौन सा पहनूं, इतने सारे परफ्यूम लगाया हूँ ये सोचकर कि तुम्हें कौन सा पसंद आए, इसलिए प्लीज मुझे स्पेल ब्रेक करने का तरीका बता दो, क्योंकि ऐसे में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अब होंगजो भी अपने बात में अड़ी रहती है कि तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन सिन्यू तो पीछे ही पड़ा हुआ था। वो कहती है, लगता है तुम्हारा कंप्लेन ऑडिट टीम से करना होगा। जहाँ वो कहता है, ठीक है, फिर मैं भी वो फुटेज सबको दिखा दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम सिन्यू को उसके फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ सिन्यू ने बताता है कि एक फ्रेंड है जिससे मुझे कुछ जानना है, बट वो डायरेक्टली बता नहीं रही है।
जहाँ उसके मम्मी आइडिया देती है कि उसे कुछ हिंट्स देने बोलो, और इसलिए सिन्यू उसे वीडियो कॉल करके कहता है तुम इशारा करो और मैं गैस करने का ट्राई करूंगा। होंगजो उसे 3 चांस देती है कि अगर तुम सही गैस नहीं कर पाए तो दोबारा परेशान मत करना, लेकिन सिन्यू तो उसका हिंट समझ ही नहीं पा रहा था। तब वो कहता है चलो तुम मुझे सारे वर्ड्स का पहला लेटर ही बता दो, और अगले सीन वो सारे वर्ड्स के पहला लेटर से सेंटेंस बनाने में लग जाता है। नहीं सकने पर वो अपनी मम्मी का हेल्प लेता है, और तो और उसके फादर भी गैस करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ होंगजो को पता चलता है कि उनके यहाँ नया रेंटर कोई और नहीं बल्कि जाइगियोंग है। ये जानकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज के साथ साथ एक्साइटेड भी होती है। वहीं इधर सिन्यू उस पजल को सॉल्व करने में अपने साथी लॉयर का भी हेल्प लेता है, और उससे भी ये सॉल्व नहीं होता है। और यहाँ वो अपने दोस्त को भी बताता है कि अब उसका और नायन का ब्रेकअप हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से सिन्यू को बचपन का सपना देखते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन सुबह सुबह वो होंगजो के घर के बाहर होता है, जहाँ उसे देख होंगजो कहती है तुमने कहा था कि तुम मुझे और परेशान नहीं करोगे। सिन्यू कहता है परेशान तो मैं हो रहा हूँ, आज भी मेरे सपने में तुम आई थी। लेकिन होंगजो तो उस पर ध्यान न देते हुए अपना चलते बनती है, जहाँ सिन्यू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और पूरा रास्ता बस उसे इरिटेट ही करता जाता है। फाइनली लंबे सफर के बाद वे एक बीच पर पहुँचते हैं। यहाँ वो इसलिए आई थी क्योंकि उस शमन ने बताया था कि उसके फादर का डेथ इसी रिवर में हुआ था, और यहाँ वो अपने फादर को याद करके काफ़ी रोती है। वहीं जब सिन्यू उसे देखता है तो सोचता है मुझे आंसर मिल गया, और आंसर ये था तुम्हारे भाग्य को तोड़ा नहीं जा सकता है। और ये एपिसोड 4 का एंड यही होता है।